दोस्तों बरसात के मौसम में लोगों को पाचन तंत्र से संबंधित बड़ी समस्या हो जाती है और बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो YouTube में आते हैं और तरह तरह के वीडियो देखते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं कि आखिर पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो अब दोस्तों अगर इस वीडियो में आ ही गए हो तो जान लो कि इस वीडियो से जो भी आप सीखोगे अगर आपने उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया तो समझ लीजिए आपको मजा आ जाएगी, आपका पाचन तंत्र 100% मजबूत हो जाएगा और बिल्कुल समझ लीजिए बहुत बढ़िया पाचन तंत्र हो जाएगा आपका। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये जो इसमें मैं दो प्रयोग बताऊंगा, पहला जो प्रयोग है वो उनके लिए है जिनको डायबिटीज़ नहीं है और दूसरा प्रयोग जो उनके लिए है जिनको डायबिटीज़ है। ठीक है, तो डायबिटीज़ जिनके नहीं है उनके लिए ये प्रयोग है कि आपको क्या करना है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए ये प्रयोग है क्या करना है कि आपको 10 से 12 किशमिश रात में पानी में भिगो के रख देना है। पहले उसको अच्छे से धुल लेना क्योंकि उसमें गंदगी वगैरह चिपकी रहती है, उसको अच्छे से धुल लेना, फिर साफ पानी में उसको आधे गिलास पानी में 10 12 से 15 किशमिश भी आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो ठीक है, और उसको अच्छे से रात में भिगो के रख दो। अब वो सुबह जो है आपका जो है जब वो थोड़ा फूल जाएगा तो उसको सुबह जो है आपको खाली पेट उसको पहले चबा चबा के खाना है, उसके बाद उस पानी को पी लेना है। तो दोस्तों ये प्रयोग जब आप करोगे तो ये आपके पाचन तंत्र में काम क्या करेगा, जैसे ही ये किशमिश जो होती है ना, किशमिश आपकी बॉडी में क्या करता है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाती है बस वो अपना काम करना चालू कर देती है। आपके लीवर में या बड़ी आंत या छोटी आंत या पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी विजाती तत्व तो जमे हुए हैं उनको पहले तो वो डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है, वो जो है शरीर से निकालता रहता है, उसके बाद वो जब वो पूरी सफाई कर देगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी पाचन क्रिया को ये मजबूत करेगा, ठीक है, आपको भूख लगने की इच्छा को जागृत करेगा, मतलब भोजन करने की जो इच्छा होती है उसको जागृत करेगा और जो आपके मतलब पेट में जो अग्नि होती है उस अग्नि को भी जागृत करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। ये मात्र 15 से 20 दिन अगर आप ये प्रयोग करोगे तो आपको ये असर दिखने लगेगा। अब ये डायबिटीज़ जिनके मतलब हो रखी है उनके लिए इसलिए नहीं क्योंकि जो है किशमिश मीठा होता है, उसमें प्राकृतिक शुगर पाई जाती है, इस वजह से इसका प्रयोग डायबिटीज़ वाले नहीं करेंगे। अब जिनको डायबिटीज़ हो रखा है वो क्या करें, तो उनके लिए भी बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आंवला और एलोवेरा का जूस लेना है मार्केट से और सुबह खाली पेट 50 ml आंवला जूस और 50 ml एलोवेरा जूस आपको आधे गिलास पानी में डालना है और उसको पी जाना है। बस 50 ml की मात्रा में आंवला और एलोवेरा का जूस आपको आधे गिलास पानी में मिलाकर उसको पी जाना है। ये डायबिटीज़ वालों के लिए है, समझ लीजिए इतना फ़ायदा करेगा, आपके पाचन तंत्र को बहुत गजब कर देगा, जो आपको भूख नहीं लगती, खट्टी डकारे आती हैं और गैस की समस्या हो जाती है, तरह तरह की जो भी समस्याएं होती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, हर चीज़ समझ लीजिए समाप्त हो जाएगी, बहुत बढ़िया पाचन तंत्र हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये दो प्रयोग मैंने आपको बताया डायबिटीज़ वालों के लिए भी और डायबिटीज़ जिनको नहीं है उनके लिए, तो आप इसका प्रयोग करिए। और जितने भी दोस्तों पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रयोग होते हैं वो सुबह इसलिए किए जाते हैं कि सुबह खाली पेट में जो है जब ये आप प्रयोग करोगे तो वो असर ज़्यादा करता है, तो सुबह खाली पेट ही इसका प्रयोग करना है। तो आशा करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आ गया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।